सूरत के कपड़ा उद्यमियों की लंबी समय की मांग मान ली गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमेडीज की सिफारिश के बावजूद अभी तक कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से एंटी डंपिंग ड्यूटी को आगे बढ़ाने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि पॉलिस्टर यान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2015 में चीन, वियतनाम सहित विदेश से आयातित पॉलिस्टर यान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी डाली गई थी। इसके चलते विदेश से आयातित यान के लिए सूरत के उद्यमियों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। 2015 में लगाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी की अंतिम तिथि 2020 के अक्टूबर में पूरी हो गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे फिर से लंबा कर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। हालांकि वीवर्स नहीं चाहते थे कि पॉलिस्टर यान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे, क्योंकि इस ड्यूटी के कारण सूरत के वीवर्स को यान महंगा पड़ता था और इसके चलते ग्रे की लागत कीमत भी बढ़ जाती थी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सूरत के कपड़ों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इस मुद्दे को लेकर सूरत के वीवर्स ने एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने के लिए गुहार लगाई थी, जबकि दूसरी ओर स्पिनर्स ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे रहे इसलिए मांग की थी। यह मामला DGTR में चल रहा था। इस बीच DGTR ने इंपोर्ट पॉलिस्टर पर एंटी लगाने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की थी। नियम के अनुसार सिफारिश करने के बाद वित्त मंत्रालय को कस्टम विभाग को एंटी डंपिंग ड्यूटी के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करके सूचना देने के लिए, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी कस्टम विभाग की ओर से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसीलिए माना जा रहा है कि पॉलिस्टर यान पर से ड्यूटी हटा दी गई है। ड्यूटी हटने के कारण सूरत के वीवर्स को प्रति किलो 30 रुपए तक का लाभ हो सकता है, जिसके चलते सूरत के कपड़ों की लागत कीमत घटेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सीधा उनको लाभ होगा।